दिस इज माई कार हेयर ठीक है यहाँ के लिए अभी के लिए दिस और थोड़ी डिस्टेंस पे हो कोई चीज या पर्सन या थिंक तो क्या आएगा डेट ठीक है पार्क डैश आर माई चिल्ड्रन ओवर देअर इन द पार्क अब यहाँ पे चिल्ड्रन हैं और आर ठीक है यानी मैनी की बात हो रही है तो दिस और डैट तो आएगा नहीं वट विल बी द आंसर दिस और दोस्त में से एक है ठीक है तो डैश आर माई चिल्ड्रन ओवर देयर इन द पार्क सो करेक्ट आंसर इज दिस नो दोज क्यों दोज आर माई चिल्ड्रन ओवर देयर वहाँ पर जो जो बच्चे हैं वो मतलब किसी डिस्टेंस पे खड़ा होकर बता रहा है कि वो देखो वो पार्क में जो बच्चे हैं वो मेरे हैं तो दो वो बच्चे ठीक है नौ का मोदा नेक्स्ट डैश इज माई कार ओवर देयर वो गाड़ी मेरी है वहां पे जो गाड़ी है वो इशारा करके बता रहा है कि वो गाड़ी मेरी है तो दिस और डेट वन है यहाँ पे कार इज वन तो दिस एंड डेट में से एक आएगा तो वट विल द आंसर डेट डैट इज माई कार ओवर देयर ठीक है नाव का मोदा नेक्स्ट डैश आर माई चिल्ड्रन हेयर डैश आर माई चिल्ड्रन हेयर अब चिल्ड्रन है मैनी है यहाँ पर है दिस डैट दीज दो आंसर डैश आर माई चिल्ड्रन हेयर डीज यहाँ पर हैं तो दीज आर माई चिल्ड्रन हेयर नौका मत नेक्स्ट डैश बाईल देयर

वहाँ पे जो बाइक है वो मेरी है नॉकम द नेक्स्ट डू यू नो डैश बॉयज ओवर देयर डू यू नो डैश बॉयज ओवर देयर क्या तुम उन लड़कों को वहाँ पे जो लड़के उनको जानते हो अगेन बॉयज़ मैनी है तो दीज या दोज में से एक आएगा डू यू नो डैश boys ओवर देयर वहाँ पर जो हैं यानी अगेन डिस्टेंस पे हैं कुछ तो दोस्त ठीक है डू यू नो दोज बॉयज ओवर देयर नो कम द नेक्स्ट कैन आई यूज डैश पेंसिल हेयर कैन आई यूज डैश पेंसिल हेयर क्या मैं ये पेंसिल यूज कर सकता हूँ दिस डैट दिज दोस्त अब पेंसिल बन है तो वट बिल द आंसर कैन आई यूज दिस पेंसिल हेयर नो नेक्स्ट आई लव डैश बिस्किट्स हेयर अगेन हेयर मैं इन बिस्किट्स को पसंद करता हूँ हेयर तो बिस्किट्स मैनी है तो दीज और दोज में से एक आएगा अब हेयर यानी यहाँ सामने ही है नियर है तो दिज आई लव दिज बिस्किट्स हेयर ओके स्टूडेंट सो दिस और डैट आएगा वन अगर वन है और अगर मैनी है तो दीज और दोस्त नियर है कोई चीज़ पास है तो दिस और दीज और थोड़ी सी डिस्टेंस पे है तो डैट तो और दोस्त ok students.